हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ग्रुप आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट्थ इंग्लिश वर्कशीट नंबर एटीन टूडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहेगी ईजी रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर यानी कि फॉर्मल लेटर कैसे राइट किया जाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर मीन्स जब आप प्रिंसिपल के नाम से या फिर अपने स्कूल टीचर्स के लिए जो लेटर लिखते हो लीव अप्लीकेशन लिखते हो तो वो फॉर्मल लेटर होता है तो फॉर्मल लेटर को कैसे राइट किया जाता है इसकी प्रैक्टिस हम इस वर्कशीट में करने वाले लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस इज़ वर्कशीट नंबर एटीन आ सब्जेक्ट इंग्लिस एंड डेट ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मल लेटर राइटिंग है इसमें हम लेटर टू प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लिखा जाना चाहिए अ फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटर्न टू ए प्रिंसिपल एन एडिटर कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज यानी कि किसी भी ऑफिसर को हम लेटर लिखते हैं जिसे हमारे पर्सनल लिंक नहीं है तो वो फॉर्मल लेटर होता है जैसे दो टाइप के लेटर होते हैं इनफॉर्मल होता है आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हो आप अपनी बुआ को लिखते हो आप अपने फूफी को लिखते हो लिखते हो ना अगर ऐसे लेटर लिख रहे हो वो इनफॉर्मल होते हैं और फॉर्मल होते हैं जिनको हम जानते नहीं है पर्सनली प्रिंसिपल लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं कमिश्नर को लिखते हैं तो वो सभी फॉर्मल लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर कई कारणों से लिखे जाते हैं जैसे हम लीव अप्लीकेशन है तो ये लिखेंगे तो दिस इज़ फॉर्मल लेटर ओके या फिर हम एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड किसी को थैंक यू बोलना है ऑफिशियल को आप प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर होगा आस्किंग फॉर परमिशन आपको परमिशन लेनी है यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट ईद फेस्टिवल और द दीपावली फेस्टिवल इन योर क्लास आप सेलिब्रेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप परमिशन लोगे तो वो भी फॉर्मल लेटर ही होगा रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास और इवेंट आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपनी क्लास में यू आर गोइंग टू यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट द टीचर्स डे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप जब लेटर लिखोगे तो वो भी फॉर्मल लेटर होगा एंड रिक्वेस्टिंग टू एग्जेंट फ्रॉम ए क्लास आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनअल डे की और आपको परमिशन चाहिए कि आज आप फर्स्ट थ्री पीरियड्स अटेंड नहीं कर पाओगे तो ये जो एग्जाम्शन के लिए आप लेटर लिखोगे तो ये भी फॉर्मल लेटर होता है ओके तो पहली चीज़ कि जब हम किसी को पर्सनली नहीं जानते उनको जब हम ऑफिशियल पर्पज़ से कोई लेटर लिखते हैं तो वो सभी लेटर फॉर्मल लेटर होते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल सर को हमें एक लेटर लिखना है ओके लेटर लिखना है तो वो लेटर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है सबसे पहले हमें फॉर्मेट को समझना है यानी हम दो मिनट में सीखने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट रहेगा हमें लेफ्ट साइड में द प्रिंसिपल लिखना है ओके द प्रिंसिपल लिखा जाएगा और इसमें हमें कॉमा या पंक्चुएशन मार्क्स है वो यूज़ नहीं करना है कहीं पर भी शुरुआत में ओके द प्रिंसिपल उसके बाद आपका स्कूल नेम होगा सर्वोदय बाल विद्यालय सर्वोदय बालिका विद्यालय और द गवर्नमेंट स्कूल और द आर ओके उसके बाद हमें स्कूल का एड्रेस लिखना है जैसे सर्वोदय बाल विद्यालय यमुना विहार सर्वोदय बाल विद्यालय रोहिणी और द ईस्ट डेली जहाँ पर भी आपका स्कूल है वो आप मेंशन करोगे तो ये हो गया उसके बाद हमें एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है खाली लाइन ओके okay. उसके बाद हमें डेट मेंशन करना है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ओके यहाँ पे बैटर ये रहता है कि हम डेट जो वर्ड है वो ना लिखें सीधी ही डेट मेंशन करें यही ज़्यादा अच्छा लगता है ओके उसके बाद फिर से हमें एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है खाली लाइन स्पेस देना थोड़ा सा और फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स किस लिए लिख रहे हैं पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर जैसे यू नीड अप्लीकेशन फॉर टू डेज़ लीव तो ये क्या हो गया है पर्पज़ हो गया आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है इसके मार्क्स भी आपको मिलते हैं अलग से ज़रूरी इसलिए होता है ताकि बाद में उसको उसी वे से पढ़ा जाए कि इसके अंदर है क्या देन सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन में हम विश करते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैडम हम लिखेंगे जब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वेदर इट इज सर और मैडम तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम अच्छा रहता है कि हम ये रिस्पेक्टेड सर और मैम कंप्लीट लिखें हमें आर नहीं लिखना अकेला ओके देन बॉडी आएगी जिस परपज के लिए हम लिख रहे हैं उसकी इंटायर बॉडी को हम लिखेंगे ओके okay? और ये जो बॉडी है वो हमारे एक ही स्टंजा में हो तो ज़्यादा बेटर होता है उसके बाद थैंक यू एंड में और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है जिसमें हम जब प्रिंसिपल सर या मैम को लिख रहे हैं तो योर्स ओबिडेंटली या फिर योर्स फेथफुली लिख सकते हैं साथ ही साथ अगर स्पेलिंग के प्रॉब्लम हो कई बार होता है कि हमें ठीक से पता नहीं है कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो ओके नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स आएगा देन स्टूडेंट्स क्लास आएगी और उसके बाद हमें रोल नंबर भी मैंशन करने हैं तो ये रहेगा हमारा फॉर्मेट कि कैसे हमें लिखना है ओके okay. यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है और जो ऊपर का पार्ट है इस पार्ट में हमें कहीं पर भी कोमा या फुल स्टॉप यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स है वो यूज़ नहीं करने हैं अगर हमने एक जगह यूज़ किया तो हमें सभी जगह यूज़ करने हैं ओके अदरवाइज़ आप इसको रहने दे सकते हो बॉडी में हमें पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना है अब हम एक लेटर दिया गया है जिसको हम कंप्लीट करेंगे जैसे यहाँ पे दिया गया कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल थैंकिंग हिम ह फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज है अरेंज की गई तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलने के लिए प्रिंसिपल सर या मैम को लेटर लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले द प्रिंसिपल दन स्कूल नेम आप यहाँ पे स्कूल नेम मेंशन करोगे आर पी वी वी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका रोहिणी या जो भी है सर्वोदय बाल विद्यालय या बालिका विद्यालय फिर उसके बाद अपने लोकल एरिया जहाँ का ये स्कूल है उसका एड्रेस हो गया उसके बाद हमें एक लाइन प्लैक छोड़नी है ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी डेट हमने मेंशन की यहाँ पे डेट वर्ड नहीं लिखा हुआ ना तो हमें भी कभी भी डेट वर्ड नहीं लिखना होता ये थर्ड फोर्थ के बच्चे लिख सकते हैं हम थोड़े बड़े हो गए हैं मेच्योर हैं देन सब्जेक्ट ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लास यहाँ पे क्या आएगा पहला जो हमारा ऑप्शन रहेगा ये अरेंजिंग रहेगा क्लियर साथ ही साथ नोट करते रहिए देन रिस्पेक्टेड सर और मैडम आएगा ओके रिस्पेक्टेड सर और मैडम ये हमारा दूसरा फिलप है क्लियर उसके बाद आई आप अपना नेम लिखोगे यहां पर वेयर इट इज राधा अनराधा कोमल बुशरा हुमा जो भी आपका नाम है आरिफ वो आप अपना नेम यहां पर मैंशन करोगे देन ऑन द बिहाफ ऑफ आर क्लास सपोज दैट हुमा आई हुमा ऑन द बिहाफ ऑफ आर क्लास एट्थ यहां पे आपकी क्लास आ जाएगी एट्थ ऑफ योर स्कूल थैंक यू थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड क्लासेस यहाँ पर आएगा ऑनलाइन क्लास तीसरा क्या है यहां पर ऑनलाइन क्लास है ओके वी ऑल्सो थैंक ऑल ऑफ आवर डेज फॉर प्रपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन क्लासेज फॉर ड्यूरिंग दीज तो यहाँ पे थैंक ओल आवर क्या आएगा यहाँ पर ऑल आवर टीचर्स फोर्थ हमारा टीचर्स रहेगा यहाँ पर ओके okay. उसके बाद For preparing fruitful online lessons for us during these times, these times कौन सा time है ये difficult times fifth यहाँ रहेगा. Our classes were disrupted because of COVID 19 के कारण हमारी classes वो disrupted रही है and it was a great loss to our studies और ये हमारी studies के लिए काफी बड़ा loss रहा है यहाँ पे sixth sixth में क्या रहेगा studies रहेगा. The online classes are very helpful ये यह यहाँ पर हमारा seventh रहेगा. वेरी हेल्पफुल ओके इन आर स्टडीज़ हमारी स्टडीज़ में ये ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल है एंड गिव अस अन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रैक्ट फेस टू फेस कि हम इसके द्वारा फेस टू फेस इंट्रैक्ट कर पाते हैं किससे से फेस टू फेस यहाँ पर फेस टू फेस आएगा नंबर एट फेस टू फेस रहेगा ओके okay. तो यहाँ फेस टू फेस विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट कि हम इसी के द्वारा अपने टीचर्स और क्लासमेट से फेस टू फेस जुड़ पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आवर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग रियली वेल हमारी क्लासेज बहुत अच्छे से जा रही है एंड वी आर एबल टू वी आर एबल टू किसके लिए हम एबल है फोकस यहाँ पे नाइन्थ फोकस रहेगा फोकस ऑन आवर स्टडीज़ अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पा रहे हैं आप काइंडली एक्सेप्ट आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड सिंसियर ग्रेटिट्यूड मीन्स हमारा थैंक यू है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए तो यहाँ पे सिंसियर रहेगा वेर इज द सिंसियर दिस इज द टेंथ एंड यहाँ पे योर्स ऑबिडेंटली इलेवेंथ में योर्स आएगा योर्स ऑबिडेंटली यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट्स क्लास और अपना रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हो तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आप कमेंट कर सकते हो एंड ऐसे ही हमारे साथ रहिए अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू बाय बाय हैव ए नाइस डे